नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सीरीज टेस्टिंग लैंप के ऊपर कि इस लैंप को हम किस तरह से बना सकते हैं और इसका वर्किंग मेथड क्या है, ये किस तरह से काम करता है, प्लस हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मटेरियल देख रहे हैं, इस मटेरियल की तो आपको इसे बनाने के लिए ज़रूरत होने वाली है। एक आपको टू पिन टॉप चाहिए, इस तरह का एक किसी भी तरह का होल्डर ले सकते हैं। कहने का मतलब होल्डर होना चाहिए, चाहे किसी भी डिज़ाइन में अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और एक आपको 100 वाट का बल्ब चाहिए होगा इस तरह का, और एक टू पिन टॉप आपको ये बोर्ड में लगी हुई होनी चाहिए। ये आपने ज़रूरत के अनुसार आप कहीं भी इसे सेट कर सकते हैं। और इस तरह की आपको एक मेन लीड चाहिए होगी। तो इतना सामान आपको इसे बनाने के लिए चाहिए। अब देखिए इसका वर्किंग मेथड क्या है, इसे इसके कनेक्शन हमें किस तरह से करने हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, ये अभी हमारा पूरा ये वायर इसमें कनेक्ट है होल्डर में। यहाँ पर देखिए दोनों वायर हमारे कनेक्ट हैं और ये वायर हमारा कहीं से नहीं कटा है। तो इसे हम जब मेन सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ये मेन सप्लाई पे हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर 100 वाट का जो बल्ब है हमारा कांच वाला, ये जब हम इसमें लगाएंगे तो देखिए ये बल्ब हमारा पूरा ग्लो करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बल्ब हमारा पूरा ग्लो करेगा। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट। अब हमें इसमें क्या करना है, बल्ब को हम निकाल दिया हमने। अब इसमें से हमारा इसी तरह से हमारा कनेक्ट है, मेन सप्लाई से दोनों वायर हमारे कनेक्ट हैं और बीच में से हमें किसी भी एक वायर को कट कर देना है। बीच में से किसी एक वायर को कट करने के बाद हमें जो दो टर्मिनल हैं इसके 5-pin सॉकेट के, इन पे कनेक्ट कर देना है। दूसरे एक वायर के बन जाएंगे उनको लिए। तो देखिए इस तरह से आपको एक वायर को बीच में से कट करके इन दोनों टर्मिनल पर जोड़ देना है। इस तरह से ये वायर कट कर दिया आपको, थोड़ा सा वायर छील के यहाँ पर दोनों टर्मिनल पर हमें कनेक्ट कर देना है। तो देखिए इस तरह से आपको एक तार कोई भी इसमें से काट के बीच में से कट लगा के इस तरह से दो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है आपको। 5-pin के दोनों टर्मिनल पर एक एक टुकड़ा जो हमारा वायर कटा है बीच से उसको कनेक्ट कर देना है। तो अभी ये हमारा सर्किट रेडी है। सीरीज लैंप का हमारा जो सर्किट है वो इतना सर्किट होता है, इस तरह से ये रेडी है हमारा। अब इसे हम जब मेन सप्लाई पर देंगे तब इस तरह हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अभी ये वायर हमारा बीच से कटा हुआ है तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट बल्ब नहीं जलेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी फैन को चेक करना है हमें, तो इसमें जब हम इस तरह से लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं टू पिन टॉप, ये हमारा हो गया टू पिन टॉप। अब हम दो वायर ये आ गए हमारे, ठीक है। अब इन्हें जब हम आपस में टच करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो ये हमारा सीरीज लैंप का आसान तरीके से मैंने आपको सर्किट समझा दिया, इस तरह से ये कनेक्ट करता है। यहाँ पर दोनों वायर, इसे आप न्यूट्रल या फेस कुछ भी समझ सकते हैं, बीच में से कटे हुए हैं और इसके माध्यम से इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तभी हमारा काम करता है। तो इस तरह से ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सर्किट बता दी। इस तरह से इस सर्किट को आप कहीं पर भी अपनी सुविधा अनुसार सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।